वीडियो के टाइटल से आपको पता ही चल चुका होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अल्कोहल कंजम्पशन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं एंड ये जस्ट एक फन प्रोजेक्ट है एंड हमें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और ये बॉटल आप जो देख रहे हैं, ये हमने खरीदी नहीं है, ये हमने स्क्रैप से उठाई है। इस वीडियो में हम ये वाइन बॉटल होल्डर को कैसे डिज़ाइन एंड प्रिंट किया है वो हम बताने वाले हैं। इसका डिज़ाइन हमें एक थिंगिवर्स फाइल से मिला था, ये हमें काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, इसलिए हमने इसमें कुछ माइनर चेंजेस किए हैं। जैसे कि हमने इसका ये होल बड़ा किया और इसे थोड़ा कस्टमाइजेशन किया है। सो चलिए इसका डिज़ाइनिंग प्रोसेस देखते हैं। सो वंस द डिज़ाइन इज़ कम्प्लीट, हम इसे स्लाइस करेंगे और फिर प्रिंट करेंगे। प्रिंट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। सो हाउ डज इट बैलेंस इटसेल्फ, इसका साइंस जानने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फर्स्ट है सेंटर ऑफ मास एंड सेकेंड है टॉर्क। सेंटर ऑफ मास एक यूनिक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, या इन अदर वर्ड्स किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पर जब हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो इट कॉजेस ए लीनियर एक्सेलेरेशन विदाउट एन एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंड टॉर्क इज एन रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर फोर्स, मतलब टॉर्क से ऑब्जेक्ट को एंगुलर मोमेंटम मिलती है। बेसिकली टॉर्क मेक्स एन ऑब्जेक्ट रोटेट। जब किसी ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड अलाइन फोर्स लगते हैं एट द सेंटर ऑफ मास तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहता है, क्योंकि फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाता है। जबकि किसी ऑब्जेक्ट पर मिस अलाइन फोर्सेस लगते हैं तो ऑब्जेक्ट रोटेट होता है। इस वाइन बॉटल के केस में बॉटल का सेंटर ऑफ मास और इसका जो रिएक्शन फोर्स है वो परफेक्टली अलाइंड होता है, जिससे ये स्टेबल रहता है। जब हम इसे एक डायरेक्शन में पुश करते हैं तो बॉटल का सेंटर ऑफ मास तो सेम जगह पर रहता है, बट इसका जो रिएक्शन फोर्स है वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है, जिससे सेंटर ऑफ मास उसके कंपैरेटिवली थोड़ा पीछे हो जाता है। इस प्रोसेस में एक क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट होता है, जिससे वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। सो ये था इसका डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग एंड वर्किंग साइंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ये एक फन डेकोरेटिव पीस है एंड इसमें आप नॉन अल्कोहलिक बॉटल्स भी रख सकते हो, बस मेक श्योर कि इसका होल डायमीटर फिट हो जाए। सो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रिंटिंग।